दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि सिलगढीमा स्थायी आधार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने काम सुरु गरिएकोमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले युनिक आइडेन्टिफिकेसन अथोरिटी अफ इन्डियाका कार्यकारी अधिकारी डाक्टर सौरभ गर्गप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। सांसद विष्टले यी तीनवटा स्थानमा आधार सेवा केन्द्र स्थापना गर्नको लागि गत वर्षको जनवरी महिनामा नै डाक्टर गर्गलाई पत्रचार गरेको बताएका छन्, जसको आधारमा नै सिलगढीमा गत वर्षको अक्टोबर महिनादेखि आधार सेवा केन्द्रले आफ्नो काम सुरु गरेको बताएका छन्। यसरी नै कालेबुङमा पनि आधार सेवा केन्द्र स्थापनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको उनले बताएका छन्। यसबाहेक दार्जिलिङमा आधार सेवा केन्द्र स्थापनाको लागि स्थान खोज्ने काम भइरहेको पनि सांसद विष्टले जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, दार्जिलिङ और कालिम्पोङ क्षेत्र की जनता के ओर से मैं केंद्र सरकार और साथी UIDAI के CEO डॉक्टर सौरभ गर्ग जी को दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी में परमानेंट आधार सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैंने UIDAI के CEO को पत्र लिखकर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी में आधार केंद्र सेवा शुरू करने की मांग की थी, जिसके बाद से ही सिलीगुड़ी में एक आधार सेवा केंद्र अक्टूबर 2020 से ही शुरू कर दी गई है, जिसमें एक दिन में 500 से अधिक लोग अपना काम करवा सकते हैं। आज मुझे डॉक्टर गर्ग जी का एक और पत्र मिला, जिसमें उन्होंने कहा है कि आधार सेवा केंद्र की स्थापना का काम कालिम्पोंग में बाथाड़ा प्रीतम रोड साई मंदिर कालिम्पोंग में पूरा होने वाला है और आधार केंद्र एक महीने के अंदर ही शुरू हो जाएगी। इसी तरह दार्जिलिंग में आधार सेवा केंद्र के लिए स्थान की पहचान की जा रही है और इसके सितंबर 2021 के अंत तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इससे हमारे चाय बगान और सिंकोना बगान में विशेष करके जो श्रमिक लोग काम करते हैं उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें आधार कार्ड बनवाने के लिए दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा और साथ ही इससे समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। साथ ही मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग जो चाय बगान सिकोना बगान से जुड़े हुए लोग, सभी से अनुरोध करता हूं कि इन आधार केंद्रों का पूरा उपयोग करें और इसकी सुविधा का पूरा फायदा उठाएं और आधार रजिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। मैं एक बार फिर UIDAI के CEO डॉक्टर गर्ग और UIDAI रीजनल ऑफिस को हमारी लोगों की ओर से इस कठिन परिस्थिति में हर संभव मदद की और इस सेवा के लिए एक बार फिर दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।